हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। करप्शन करप्शन कहने से करप्शन साबित नहीं होती। नैब इनकम टैक्स केस नहीं उठा सकती, मुजरिमाना अमल दिखाना होगा। नैब ने अपने रवैये से रेफरेंस खत्म करवाया। अगर हाई कोर्ट का हुक्म कलदम भी कर दें फिर भी मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस बहाल नहीं होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स दोबारा खोलने की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। हुदैबिया पेपर मिल्स केस के मेरिट पर कोई बात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर बहस और तबसरों पर पाबंदी लगा दी। पैमरा को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। आमदन से जायद असासा जात केस में इसहाक डार इश्तिहारी करार। एहतसाब अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दिया। जमानती को 50 लाख रुपए जमा कराने का हुक्म। रेफरेंस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद। पार्लियामेंट और पीटीवी हमला केस में दहशतगर्दी के दफात बरकरार। कप्तान की अबूरी जमानत में 19 दिसंबर तक तौसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में इमरान खान तीसरी बार पेश हुए। किसी जमहूरियत के अंदर पुलिस नहते लोगों के ऊपर इस तरह गोलियां नहीं चलाती जो चलाई गई, क्योंकि पुलिस कानून के मुताबिक नहीं चल रही थी। पुलिस एक शरीफ खानदान के जाती मुलाजम बने हुए थे। हमारे पुरअमन एहतजाज को हमला कहा गया। पुलिस शरीफ खानदान की जाती मुलाजिम बनी हुई है। डरने वाला नहीं, पीछा नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं आसिफ अली जरदारी के होते हुए पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। जो शख्स आयशा गुलालई को जवाब नहीं दे सका वो अदालत को क्या जवाब देगा। इमरान खान ने इतने झूठ बोले कि शर्म भी नहीं आती। मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। कहती हैं पूरी कौम पार्लियामेंट पर हमला करने वालों की सजा के इंतजार में है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि मुल्की तरक्की रोकने का अमल अब खत्म होना होगा। मुल्की सियासत में एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं, लोगों का काम बोलता है। गालियां निकालने से आवाम किसी को याद नहीं करते। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत आज कमरा अदालत खाली खाली है। मीडिया वाले भी कम नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है सब इमरान खान की तरफ गए हैं। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क। वकील ख्वाजा हारिस के गवाह मलिक तैयब पर जरह मुकम्मल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल है। कौमी असेंबली में आज फाटा रिफॉर्म्स बिल मंजूर किए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास भी आज होगा। फाटा इस्लाहात के लिए जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च। शुरका पिशावर से टैक्सिला रवाना। कल इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। कराची सिटी कोर्ट में जाफर कत्ल केस की समाअत। मुलजिम खाबर बरनी के मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुलजिम को जेल भेज दिया। पुलिस को 18 दिसंबर तक चालान पेश करने का हुक्म। इंटरबैंक में रुपया मजीद बेकदरी का शिकार। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 1 रुपए 25 पैसे इजाफे से 108 रुपए 75 पैसे का हो गया।